वारिस पंजाब के संगठन के मुखिया अमृतपाल सिंह ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में अमृतपाल सिंह ने अपने खिलाफ पुलिस कार्रवाई को सिख समुदाय पर हमला बताया है। वीडियो के माध्यम से अमृतपाल सिंह ने अकाल तख्त जत्थे से बैशाखी के दिन सरबत खालसा बुलाने को कहा है। उसने कहा कि अगर हमें युवाओं और पंजाब को बचाना है तो सरबत खालसा बुलाना होगा। चलिए वीडियो में जानते हैं क्या है सरबत खालसा, इसे बुलाने की प्रक्रिया क्या है और सरबत खालसा कौन बुला सकता है। सरबत खालसा असल में एक सभा है जिसमें दुनिया भर के सिख समुदायों के संगठनों को बुलाया जाता है। इसमें कुछ मुद्दों पर चर्चा होती है और उस पर फैसले लिए जाते हैं। इन फैसलों को सभी सिख समुदाय मानते हैं। वैसे सरबत का मतलब होता है सभी और खालसा का मतलब होता है सिख, यानी सभी सिख समुदायों का एक सभा। बताया जाता है कि सबसे पहले 1708 में सरबत खालसा बुलाई गई थी। इसे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने बुलाया था। इसके बाद 1723 में सरबत खालसा बुलाई गई थी। उस समय तक खालसा और बंदे के बीच संघर्ष हो गया था, इसे सुलझाने के लिए सरबत खालसा बुलाई गई थी। 3 साल बाद 1726 में भाई तारा सिंह के निधन के बाद सरबत खालसा बुलाई गई। इसी में गुरमाता की परंपरा भी शुरू हुई। गुरमाता यानी सरबत खालसा के फैसले, कौन बुला सकता है सरबत खालसा। ऐसा माना जाता है कि सरबत खालसा बुलाने का अधिकार अकाल तख्त के पास है, क्योंकि वही सिखों की सर्वोच्च संस्थान है। अकाल तख्त की स्थापना सिखों के 6वें गुरु गुरु हरगोविंद सिंह ने की थी। हालांकि साल 2015 में सरबत खालसा को लेकर खास विवाद भी हो गया था। 10 नवंबर 2015 को अमृतसर के बाहरी इलाके में स्थित छावा गांव में सरबत खालसा बुलाई गई थी। ये सरबत खालसा शिरोमणि अकाली दल के नेता सिमरनजीत सिंह मान और यूनाइटेड अकाली दल के नेता मोहकाम सिंह ने बुलाई थी। क्या है प्रक्रिया? आमतौर पर सरबत खालसा 2 बार बैशाखी और दिवाली पर बुलाई जाती है। सरबत खालसा की शुरुआती अरदास से होती है। अरदास यानी प्रार्थना के बाद पंज प्यारे यानी 5 सदस्यों को चुना जाता है। ये पंज प्यारे अकाल तख्त पर गुरु ग्रंथ साहिब के बगल बैठते हैं। इसके बाद इसमें शामिल हुए सिख संगठन अपने प्रस्ताव रखते हैं, उन पर वोटिंग होती है। जो प्रस्ताव पास होता है उसे गुरमाता कहा जाता है। आजादी के बाद सरबत खालसा के इतिहास काफी तनाव भरा रहा। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 1986 को अकाल तख्त ने सरबत खालसा बुलाई थी।